अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहित खान अपने चैनल VCL मोहित खान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत होंगे, खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमारे लिए है क्या। तो दोस्तों आज जो वीडियो मैंने बनाई है वो बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड वीडियो है, वो है MG गाड़ियों के हवाले से। आप यकीनन बहुत सारी बातें, बहुत सारी वीडियो सुनते होंगे MG गाड़ियों के हवाले से कि MG गाड़ियों में ऐसा है, MG गाड़ियों में वैसा है, MG गाड़ी ये आ रही है, MG 3 आ रही है, MG 5, MG 6, न जाने क्या क्या। कोई कहता है कि 800 cc आने वाली है, 1,00,000 से कम। कोई कहता है कि 1,000 cc आने वाली है, 1,200,000 से कम। तो इस तरह की सारी खबरों को अब MG ने उसका एक्शन लिया है। MG मोटर्स ने जावेद अफरीद साहब को कहा कि आप जो इस तरह के ट्वीट करते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं, उससे एक नेगेटिव इमेज जाता है जब गाड़ी नहीं आती है। तो अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि भाई जनाब आप 5 MG की गाड़ियां इंपोर्ट करें, कुछ दो दो क्वांटिटीज़ में, कुछ एक एक, और उनकी टॉप ऑफ द लाइन गाड़ियाँ जो है वो आप इम्पोर्ट करके यहाँ पर टेस्ट ड्राइव के लिए लोगों को दें। अब इससे होगा क्या, अब इससे वो तमाम जो बातें लोगों के दिमागों में, जहनों में नेगेटिव जाती हैं कि जी ये गाड़ियाँ आ रही हैं और लोग परेशान होते रहते हैं कि भाई बुकिंग कहाँ से होगी, कब होगी, कैसे हो रहा है, तो वो ट्वीट से जो एक बदगुमानी फैलते जा रही थी MG गाड़ियों के गाड़ियों में, वो अब ख़त्म हो जाएगी क्योंकि तमाम लोगों को एक ट्रू पिक्चर सामने आएगी क्योंकि MG अब उस पर एक्शन ले रहा है। MG का नाम ख़राब हो रहा है क्योंकि MG नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान में अगर अपनी गाड़ियां लॉन्च करे तो वो इस नेगेटिव इमेज के साथ कि MG कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो ये नाम के लिए गोरे जो है वो अपनी जान, तन, मन, धन सब लगा देते हैं, तो वो नाम ख़राब होना नहीं देना चाहते। तो अब ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में आएंगी, इम्पोर्ट होंगी और फिर उनकी टेस्ट ड्राइव होगी और फिर फैसला किया जाएगा कि गाड़ियों के साथ क्या करें। उनकी अगर बुकिंग अच्छी आई, ऑर्डर्स अच्छे मिले, तो ये गाड़ियाँ शुरू में हो सकता है पाकिस्तान में इम्पोर्ट की जाएँ, बाद में यहाँ असम्बल्ड की जाएँ, क्योंकि असम्बल्ड की हुई गाड़ियों के लिए जो यहाँ पर प्लांट लगा है वो 30,000 गाड़ियाँ बनाने की सलाहियत रखता है। अब अगर 30,000 गाड़ियों में पाकिस्तान की MG 3 की डिमांड ही बहुत ज़्यादा हो गई तो फिर ये गाड़ियाँ बहुत कम हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो MG अगर मुकाबला करना चाहता है सुजुकी का, टोयोटा का, तो उसे गाड़ियों की क्वांटिटीज़ जो डेली मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग है, वो बढ़ानी पड़ेगी, अपने प्लांट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा और ट्रू इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेगी ताकि वो सीन ना हो जिस तरह के HS की बुकिंग में हुआ कि लोगों ने बुकिंग कराई लेकिन उसकी डिलीवरी बहुत देर से हुई। वो गाड़ियाँ हैं कौन कौन सी, वो गाड़ियाँ हैं MG 5 सेडान शेप में, MG 6 सेडान शेप में, MG EHS यानी कि इलेक्ट्रिक HS जो है वो आएगी, MG ZS EV ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके अलावा MG मार्वल, ये है बहुत लग्जरियस गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त। ये तमाम गाड़ियाँ अब पाकिस्तान में आ रही हैं, जैसा कि मैं आपको ये टैग दिखा रहा हूँ जिसमें पूरी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो कि इन गाड़ियों के हवाले से, पूरे शवाहिद के साथ, कोई टोपी ड्रामा नहीं, कोई हवाई फायरिंग नहीं, बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट्स के अब ये MG ने गाड़ियाँ मंगाई हैं। आप देख सकते हैं इस पर तमाम गाड़ियों की डिटेल मौजूद है, कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं। कुवैत से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और 1-1.5 महीने बाद ये पाकिस्तान में होंगी और आप फिर इसके टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो फिर आपको बुकिंग के लिए आमादा किया जाएगा और बुकिंग की तारीख बताई जाएगी। तो यानी कि वो तमाम शवाहिद, वो तमाम बातें जो लोग अपनी वीडियो में शेयर करते हैं बिल्कुल फेक हैं और अब आपको मैं ट्रू पिक्चर दी है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।